1940 में कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुआ एक छोटा सा बिजनेस जो कि आज 38,000 लोकेशंस पे 100 प्लस कंट्रीज में 69 मिलियन डेली यूजर्स के साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन बना। तो आइए जानते हैं तीन ऐसी स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से आज मैकडॉनल्ड दुनिया का नंबर वन फूड ब्रांड बना। नंबर वन, स्पीड, स्पीड एंड स्पीड। मैकडॉनल्ड पूरे वर्ल्ड में उसके टेस्ट के लिए नहीं, उनकी स्पीड के लिए जाना जाता है। आप कोई भी बर्गर ऑर्डर करते हो तो 180 सेकंड्स में यानी 3 मिनट के अंदर अंदर आपका ऑर्डर आपको डिलीवर होता है, और इसी कोर वैल्यू को मैकडॉनल्ड ने अपना USP बनाया और उस पे कंटिन्यूअसली काम किया। नंबर टू, यूज ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेसेस। सिस्टम एंड प्रोसेसेस बनाने के कारण इनका टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि अब हर आदमी को पहले से ही पता है कि उसको कौन सा काम करना है और कितने समय के लिए करना है। और यहाँ पे एक आदमी को एक ही पर्टिकुलर काम बार बार दिया जाता है, तो इसी की वजह से कुछ ही समय में वो आदमी उस काम में मास्टर बन जाता है, और इसी रिपीटेबिलिटी के कारण मैकडॉनल्ड का स्पीड बढ़ता है। एंड नंबर थ्री, लोकल पीपल, लोकल प्रोडक्ट एंड लोकल प्राइस। मैकडॉनल्ड अपना आउटलेट खोलने से पहले कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, खाने में क्या पसंद करते हैं, मोस्ट डिमांडेबल आइटम कौन सा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही मैकडॉनल्ड अपना आउटलेट खोलता है। क्योंकि अगर आप पहले से प्रोडक्ट बनाओगे और कस्टमर को उसमें फिट करने की कोशिश करोगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, बट अगर आप कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बिकेगा, और यही मैकडॉनल्ड करता है। क्लिक द फॉलो बटन इफ यू लर्न समथिंग न्यू।